जय हिंद साथियों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि इसके पहले कुछ दिक्कतें थी लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं क्लास टेंथ का अध्याय 6, ठीक है, बायोलॉजी का जो सेक्शन है मैं उसको पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी। तो मैंने एक स्पेशल क्लास बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास टेंथ वालों के लिए रहेगा। ठीक है, जो क्योंकि मैं इसलिए उसमें बना रहा हूं क्योंकि आगे क्या है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, आगे क्या है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उसको देखते हुए मैंने स्टार्ट किया है जय प्रोग्राम, यानी लाइव प्रोसेस से, जो कि आप लोगों का लगभग पिछला मैंने एक साइंस का चैप्टर लिया था जिसमें जीव जनन कैसे करते हैं उसको समाप्त कर दिया गया है। तो 3 चैप्टर 4 चैप्टर और बचे हुए हैं जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत जल्दी उसको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं जय प्रक्रम पे। जय प्रक्रम यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, यानी जय प्रक्रम आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि जय प्रक्रम होता क्या है। जय प्रक्रम क्या होता है भाई, पहले जैव के बारे में जान ले, जैव क्या होता है, जैव का अर्थ क्या होता है भाई, जैव का अर्थ होता है जीवित, जीवित जिसे बोलते हैं लिविंग, यानी ऐसे प्राणी जिनके अंदर, जिनके अंदर जीवन हो, मतलब वो अंदर जीवित हो, ऐसे प्राणी क्या हो जो जीवित हो, इसे क्या बोलते हैं जैव। और इसी का उल्टा क्या होता है, अजैव, इसी का उल्टा क्या होता है, अजय, अजय मतलब निर्जीव, क्या होता है निर्जीव, जो प्राणी जीवित ना हो उसको क्या बोलते हैं निर्जीव। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई, इसका अर्थ क्या होता है जीवित और इसका अर्थ क्या होता है अजय का निर्जीव। तो आइए हम बात करते हैं जय प्रक्रम के बारे में, जय प्रक्रम के बारे में। तो जय प्रक्रम क्या होता है, वे प्रक्रम या ऐसे प्रक्रम, ठीक है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, क्या होती है, संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण, जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, अनुरक्षण का कार्य करती हैं, क्या करती हैं, कार्य करती हैं या कार्य करते हैं, ठीक है, कार्य करती हैं या कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसमें ये बताया गया है कि वे सभी प्रक्रम यानी जितने भी जीवित प्राणी हो गए, वे जंतु जो जीवित हैं उनके अंदर जितने भी प्रक्रम होंगे वो किस रूप में होंगे, संयुक्त रूप से होंगे, कैसे होंगे, संयुक्त रूप से होंगे, जो जीवों के क्या करते हैं, जीवों के अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण का मतलब समझ रहे हो, ये बड़ा टिपिकल वर्ड आप लोगों में आ गया है, अनुरक्षण, इसको क्लियर कर देंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा अनुरक्षण, क्योंकि अनुरक्षण से ही आप लोगों का क्या हो रहा है, चीजें क्रिटिकल बन रही है। अनुरक्षण का होता है सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो भी जीवों के अंदर जो भी प्रक्रम हो रहे हैं उन जीवों के अंदर क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो यही बताया गया है, जीवों के अनुरक्षण का कार्य करता है तो उसे क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोला जाता है या लाइफ प्रोसेस कही जाती है। तो ये इतनी चीजें समझ में आई आपको, ये देखिए इसकी परिभाषा हो गई जैव प्रक्रम की, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है या करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखिये
होता क्या है कि जय प्रक्रम के अंतर्गत कुछ भाग आते हैं, कुछ ऐसे कार्य आते हैं। जैसे जय प्रक्रम एक प्रक्रिया होती है, जय प्रक्रम के अंदर एक प्रक्रियाएं होती है जो निम्न रूपों में इसे हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। तो निम्न रूपों में बांटते हैं, जिसमें पहला क्या हो जाएगा आपका पोषण, पोषण। दूसरा क्या हो जाएगा, जिन जिन प्रक्रियाओं में बांटते हैं उसको क्या पार्ट्स बोलते हैं, जय प्रक्रम के पार्ट्स बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, श्वसन। तीसरा क्या हो जाएगा, वहन। क्या होता है, वहन। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। इन सब प्रक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना होगा अभी आगे चल के, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं, जय प्रक्रम के अंतर्गत अनुरक्षण की जो बात कही गई है, अनुरक्षण का अर्थ क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमें पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या पड़ेगा आपका, पोषण, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, जैव क्या होते हैं, जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है और कौन कौन से भागों को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। जैव का मतलब जानते हो ना, जैव का मतलब जीवित, जीवित मतलब जान रहे हो, तुम क्या हो, जिंदा हो, तुम्हारे अंदर सांस वांस चलती है, दौड़ते हो, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये सब क्या है, जीवित है, ठीक है, जिन्हें हम जैव बोलते हैं। उसके बाद आप लोग कभी कभी सोए रहते हो तो आपकी सांसें चलती है ना अंदर अंदर, तो वो भी किसके अंतर्गत आओगे आप लोग, जीवित के अंतर्गत आओगे। अब कहोगे कि सर पौधे में, पौधों में भी भाई देख लो, वो हरे रहते हैं, हरे रहते हैं, उसके साथ साथ उनमें क्या होता है, धीरे दिन प्रतिदिन क्या होता है, ग्रोथ होता रहता है, देखने को मिलता है हमें, ब्रांचेस निकलते रहते हैं, आदि चीजें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक, तो सब मिलती रहती हैं। तो आइए इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, आगे आपकी सारी जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे वो सारा का सारा धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, पोषण पर, किस पे चलते हैं, पोषण पर, पोषण। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएशन, न्यूट्रिएशन। बताइए भाई पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, पोषण क्या होता है। आप लोग तो बहुत पहले से क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़ते चले आ रहे हो और 9th में भी पढ़े ही होंगे। देखो पोषण क्या होता है, भोजन ग्रहण करना। भाई कौन कौन भोजन ग्रहण करता है, सब लोग करते हो ना, हाँ, भोजन ग्रहण करना। फिर उसके बाद जब भोजन ग्रहण कर लेते हो तो भोजन का क्या होना चालू हो जाता है, पचना प्रक्रिया चालू हो जाता है। तो भोजन की, भोजन जब ग्रहण कर लेते हो तो आप लोगों का क्या चालू हो जाता है, पचना। तो पचे भोजन का पचे भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, नहीं, हाँ, अवशोषण, अवशोषण एवं
शरीर द्वारा, क्या होता है एवं शरीर द्वारा, एवं क्या होता है शरीर द्वारा अनुरक्षण, क्या होता है शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग, क्या करते हैं इसका उपयोग, इसका उपयोग क्या कहलाता है क्षण के लिए, इसका उपयोग पोषण कहलाता है, क्या कहलाता है पोषण कहलाता है। अब आप लोग कहोगे सर बड़ा टिपिकल बता दिए परिभाषा, बच्चों टिपिकल परिभाषा नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको आप समझने की कोशिश करो। क्या होता है भोजन ग्रहण करना, हम लोग क्या करते हैं भोजन को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद जब भोजन हमारा पच जाता है तो भोजन का क्या होता है हमारे क्षुद्रांशों में अवशोषण होना स्टार्ट हो जाता है, जब अवशोषण स्टार्ट होता है तो शरीर द्वारा क्या होता है अनुरक्षण, अनुरक्षण का अर्थ आपको बता ही दिए थे क्या होता है, अनुरक्षण का क्या होता है सुरक्षा प्रदान करना, जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है उससे क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है, तो शरीर शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहलाता है पोषण कहलाता है। जैसे क्या करते हो कि आप लोग भोजन करते हो, न्यूट्रिशन भोजन करते हो, अब भोजन करने के बाद क्या होता है आप लोगों का क्या होता है भोजन पचने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो उसमें जितने भी खनिज मिनरल्स विटामिन्स आदि चीज होती है हमारा शरीर क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है, और जब अवशोषित कर लेता है तो वही क्या होता है हमारे शरीर को लगता है, लगता ही नहीं लगता है, यानी कहने का मतलब हमारा शरीर क्या करता है ग्रोथ करता है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती, क्या कहला जाती है पोषण कहलाती है, ठेठ भाषा में समझ लो। घर में मम्मी दूध चाउर कुछ खिलाती पिलाती है नहीं तुमको, सब खिलाती पिलाती दवा खिलाती है कि बाबू आ दूध पी ले, दूध पी ले रहे तो बरियार रहे, गिरबे तो हड्डी उड्डी न टूटी, काय बदे करती है स्वस्थ रहे बदे, स्वस्थ ही हमारा क्या होता है न्यूट्रिशन भी हो जाता है, हम अच्छे अच्छे चीजों क्यों खाते हैं ताकि हमारा न्यूट्रिशन हो यानी पोषण हो, ताकि हम स्वस्थ रहें, ठीक है अंदा गंदा ये खा के नहीं, मंचूरियन राइस मंचूरियन मोमो चाउमीन ये सब खा खा के न्यूट्रिशन बनाना तब तुम लोग तो क्या होता है कि भोजन ग्रहण करना और पचे भोजन का क्या करते हैं अवशोषण करते हैं, और जिसका शरीर क्या करता है अनुरक्षण करता है, यही क्या क्रिया कहलाती है हमारा पोषण कहलाती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो पोषण के आधार पर इसको दो समूह में बांट दिया गया है, पोषण के आधार पर इसको कितने समूह में बांट दिया गया है दो समूहों में बांट दिया गया है, दो समूहों में इसे बांट दिया गया है, इसे बांटा गया है, कौन कौन से समूह में इसको देखा जाए तो दो प्रकार से हम लोग बांटते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और एक होता है विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है हमारा विषम पोषी पोषण, ठीक है। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं भाई, पहले ये बताओ कि स्वपोषी किसे कहते हैं, पोषण तो समझ लिए ना, पोषण तो समझ लिए, अब ये बताओ स्वपोषी और विषम पोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब ये होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्व वाले स्वयं, स्व मतलब क्या होता है स्वयं, स्व का अर्थ क्या होता है स्वयं, स्वयं का मतलब सीधा हो गया स्वपोषी पोषण, यानी जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, स्वयं बनाता हो,
वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे बनाते कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना। बस अब विषम पोषी पोषण, विषम यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो बल्कि वो दूसरे पर या अन्य जीवों पर क्या होता है, निर्भर रहता है। जैसे मानव और अन्य जीव, हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं नहीं ना, हम लोग अनाज पैदा करते हैं, रोज चिकन खाते हो, टिक्का गाते हो, बकरा खा जाते हो, सारा मानी चाहिए, इतना खाते हो तुम लोग, तो जीवों जंतुओं को खा जाते हो तुम लोग, तो ये क्या कहलाते हैं, विषम पोषी पोषण। ठीक है, पहला क्या होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या होता है विषम पोषी पोषण। ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और फिर उसके बाद ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य चीजों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मानव तथा अन्य जीव, ठीक है, जैसे जंगलों में देख लो जानवर, शेर हो गया, अपना भोजन बनाता है नहीं बनाता है, किसी अन्य पे निर्भर रहता है। जितने भी जानवर अगर देखा जाए, हिरण भी किस पे निर्भर रहता है, घास पे निर्भर रहता है, लेकिन घास अपना भोजन बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है ना। तो बातें समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत आसान है, बहुत तेज हो आप लोग यार, क्या बात करते हो। ठीक है, तो उसके बाद अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ही हमें हरे पेड़ पौधों के यानी प्रकाश संश्लेषण आदि चीजों के बारे में जानना है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग स्वपोषी पोषण, इसको आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बता रहा हूं। स्वपोषी पोषण, आप लोग समझ में आ ही गया होगा, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण में जैसे आप जान ही गए हो कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे, ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते कि नहीं बनाते हैं। अब देखिए ये लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानते हैं, ये लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानते हैं। फोटोसिंथेसिस का नाम सुने हो, हिंदी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं ये लोग, अपना भोजन बनाते हैं। तो हेडिंग डालते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। मैं क्लास टेंथ वालों को इतना बता देना चाहता हूं, जितनी भी एनसीईआरटी है तो आप लोग वहां से पढ़ लेना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के बाहर से एक भी शब्द नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, एनसीईआरटी ही पूरा है, निचोड़ क्या, पूरा एनसीईआरटी ही है। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से वहां से कंटेंट निकाल रहा हूं और आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी का जिस तरीके से ऊपर से नीचे दिया गया है पूरा वैसे ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो जहां तक बताया जाएगा आप लोग वहां तक पढ़ लीजिएगा, चीजें आप लोगों को बहुत आसानी से और आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं फोटो सिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या बताया जाता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किसी को पता है, आप लोग तो 6 में भी दिया था, 7 में भी दिया था, 8 में दिया, 9 में दिया था और 10 में भी आप लोग पढ़िए रहे हो, 11th और 12th में भी पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम बता देते हैं, यह एक ऐसा प्रक्रम है, ठीक है, यह एक क्या है, ऐसा प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी यानी पेड़ पौधे, स्वपोषी मतलब समझ रहे हो ना, स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या कहते हैं, बाहर से, बाहर से यानी वायुमंडल से, ठीक है, ऊर्जा को क्या करते हैं, पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। इसे क्या बताया गया है, यह वह प्रक्रम है, क्या है, यह वह प्रक्रम है
और प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी स्वपोषी जिसमें क्या है स्वपोषी बाहर से भाई स्वपोषी क्या कर रहा है स्वपोषी में हमारा क्या आ जाएगा हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी को ये मानोगे ना हाँ तो हरे में क्या हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर बताया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को यानी बाहर से क्या कर रहा है पदार्थों को ले रहा है। अब वो कौन कौन से पदार्थ है अभी मैं बता देता हूँ। पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है यानी क्या करता है पदार्थ जो होता है वो पदार्थों को क्या करता है उस पदार्थों के द्वारा जो ऊर्जा लेता है क्या कर देता है संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है तो आइए बताते हैं कौन कौन सा पदार्थ लेता है। यही बता दे रहे हैं CO2 यानी क्या रहा है बाहर से वातावरण से क्या ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ही मिल रहा है उसके बाद जल ले रहा है H2O यानी बाहर से क्या ले रहा है जल ले रहा है कि नहीं ले रहा है हाँ। उसके बाद क्या कर रहा है पौधों में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल। अच्छा ये बताओ पौधे हरे रंग क्यों दिखाई देते हैं क्लोरोफिल की वजह से। और उसके बाद क्या होता है इसमें और इसमें क्या पाया जाता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति किसकी उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश ये क्या करते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो जब ये भोजन का निर्माण करते हैं तो किसमें बदल देता है C6H12O6 ये क्या बन गया ग्लूकोज। और उसके बाद जब ये लोग ऊर्जा बनाते हैं तो ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं ऑक्सीजन क्या करते हैं विमुक्त यानी बाहर निकालते हैं यानी जब ये लोग भोजन बनाते हैं तब ये ऑक्सीजन निकलता है अन्यथा इससे नहीं निकलता है फर। ठीक है फिर क्या निकालते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं O2 और उसके बाद क्या करते हैं जल भी बाहर निकालते हैं क्या करते हैं जल भी बाहर निकालते हैं। अब इसको बैलेंस कर लो बैलेंस हो गया भाई इधर कितना है 6CO2 12H2O यानी कार्बन की संख्या कितनी है 6 इधर भी कार्बन की संख्या कितनी है 6 ऑक्सीजन की संख्या कितनी है ओ 12 ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6 × 12 इधर भी देखो ऑक्सीजन 12 है इधर यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है यानी ये भी और ये भी 12 और यहाँ 12 12 हो गया। और उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 24 12 × 24 यहाँ 12 है और 6 × 12 = 24 यानी क्या है आपका बैलेंस हो गया। ठीक है तो इस तरीके से क्या हो गया ये वातावरण से क्या लेते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है हमारे जैसे जीव के द्वारा क्या होता है उत्पन्न होता है और वातावरण यानी जल जमीन से क्या लेते हैं जल लेते हैं। और उसके बाद इनके अंदर एक वर्णक होता है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश निकलता है तो उसकी उपस्थिति में क्या बनते हैं ग्लूकोज बनाते हैं क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं अब प्लस जल भी बनाते हैं। ठीक है और जल भी
निकालते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलो ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, ये इसका फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता जरूर है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी स्वपोषी पोषण अगर पूछ दिया तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको देना पड़ेगा स्वपोषी पोषण में क्या देना पड़ेगा, आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना ही पड़ेगा। जब स्वपोषी पोषण आ जाएगा प्रश्न में तो आप लोगों को स्वपोषी पोषण में हरे पौधों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताना है, फिर हरे पौधे क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है, वो स्वपोषी पोषण किस तरीके से पोषण करते हैं इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस स्वपोषी पोषण के बारे में बस वही बता दें कि वे भोजन अपना स्वयं, ये जीव अपने अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसके बाद कहानी खत्म, ये नहीं होगा। जबकि आपको ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे के बारे में बताना होगा और किस तरीके से बताते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको नंबर अच्छे से मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। इसीलिए सभी बच्चे बोलते हैं सर नंबर नहीं उठ रहा है, नंबर नहीं उठ रहा है। अरे यार, तुम लोग स्वपोषी पोषण के बारे में पूरा डिस्क्राइब तो करो, स्वपोषी पोषण के बारे में पूरा डिस्क्राइब करो, अच्छे से प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताओ, सूत्र दो, तब वो समझेगा। ऐसे नहीं समझता एग्जामिनर, इतना बेवकूफ नहीं है कि छोटा देते स्वपोषी पोषण क्या होता है तो तुम लोग बस वही लिख खाली हो जाओ, उसमें ये नहीं लिखना है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद स्वपोषी पोषण में पोषण किसे कहते हैं आदि चीजों के बारे में बताना पड़ेगा। अब स्वपोषी पोषण किस तरीके से होता है ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न आपका क्या बन के आएगा जब आपका विस्तृत बनेगा, तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आएगा, तो आपको इस तरीके से देना पड़ेगा ये सब चीजें। ठीक, अभी तक जो मैंने पढ़ाया, तो आगे आपको बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण तो हो गया, तो इसके लिए पौधों ने क्या क्या आवश्यक सामग्री, कच्ची सामग्री का उपयोग किया, कच्ची सामग्री का उपयोग किया कि नहीं किया, क्या कच्ची सामग्री, जैसे आप लोग खाना बनाते हो तो कच्ची सामग्री का उपयोग करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो उसके पका पका के अपना पक्की सामग्री बना लेते हो। ठीक है, तो कच्ची सामग्री में आपने पौधों ने किसका उपयोग किया, सनलाइट का उपयोग किया, सनलाइट लिया, कच्ची सामग्री लिख लेना, कच्ची सामग्री पहला क्या लिया, सनलाइट लिया, दूसरा क्या लिया इसने, इसमें क्या था, क्लोरोफिल, तीसरी क्या थी, तीसरी क्या होगी, वायुमंडल से क्या लिया, CO2 लिया कि नहीं लिया, ये लिया वायुमंडल से, कहां से लिया, वायुमंडल से, फिर उसके बाद चौथा क्या लिया, चौथा क्या लिया भाई, जल लिया, कहां से लिया, जमीन से लिया, यानी अवशोषण किससे किया, जड़ द्वारा, जमीन से, जड़ों द्वारा, किसे लिया, जड़ों द्वारा जल को लिया, और वायुमंडल से CO2 लिया, और उसके बाद क्लोरोफिल इसके अंदर ऑलरेडी था, और उसके बाद सनलाइट लिया, इन सब कच्ची सामग्रियों से क्या किया उसने, अपना भोजन बनाया, जब भोजन बनाया तो उसके बाद क्या किया, ऑक्सीजन विमुक्त किया और जल को भी बाहर निकाला। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, ये होती है प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत कुछ कच्ची सामग्री। और घटनाएं तो आप लोग जान ही गए कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, तो आइए थोड़ी सी घटनाओं के बारे में भी चर्चा कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को तब रत्न पढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए क्या क्या घटनाएं घटी, घटनाएं भाई, अगर कोई भी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है बच्चों, तो जो भी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं तो उसकी कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं, ठीक, तो जो भी घटनाएं घटी वो कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, चलिए आपके बारे में एक एक पॉइंट करके हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाश का अवशोषण हुआ, प्रकाश का अवशोषण कौन किया, क्लोरोफिल,
अब देखो समझा देते हैं आप लोगों को अच्छे से। ये हमारा क्या हो गया सन, ठीक, और ये हमारा क्या हो गई पत्ती। बन नहीं रहा है यार अच्छे से, क्या हो गई पत्ती। अब क्या हो रहा है इधर बना लेते हैं, ठीक। अब यहां से क्या निकल रहा है लाइट, अब किस पे पड़ेगा आगे हमारा इस पे पड़ेगा, और इसमें क्या पाया जाता है ये क्या हमारा पत्ती। पत्ती कैसी होती है हरे रंग की, कैसी होती है हरे रंग की, और इसमें क्या पाया जाता है क्लोरो फील। क्या पाया जाता है क्लोरोफिल, जो क्या करती है जब ये प्रकाश इस पे पड़ता है ये प्रकाश का क्या करती है अवशोषण, अवशोषण क्या कर रही है अवशोषित कर ले रही है। क्लोरोफिल क्या कर ले रहा है ये सनलाइट को, ये क्या हमारा सनलाइट, ये हमारा क्या हो गया सन, ठीक है। जो भी आ रहा है जो भी लाइट्स आ रही है प्रकाश आ रहा है उसका क्या कर ले रहा है हमारा हरा पत्ती जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्या कर ले रहा है प्रकाश का अवशोषण कर ले रहा है, ठीक है, क्या कर ले रहा है अवशोषित कर ले रहा है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या चलती है इसमें, जो प्रकाश ऊर्जा रहती है, जो प्रकाश ऊर्जा रहती है, अब प्रकाश तो आ गया उसका अवशोषण कर ली, तो प्रकाश भी क्या होती है एक ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा क्या कर लेती है किसमें बदल देती है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या करती है रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है रूपांतरण कर देती है, ठीक है, क्या करती है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देती है, तथा उसके बाद क्या करती है जल अणुओं का, जल अणु पाए जाते हैं जल अणुओं का, जल अणुओं का क्या करती है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन 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 तथा O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बदल देती है, क्या कर देती है ऑक्सीजन बदल देती है या अवघटित कर देती है, अवघटित कर देती है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या बनता है, क्या कर देती है अवघटित कर देती है, क्या करती है प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल देती है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है, तथा जल अणुओं का किसमें बदल देती है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में। जल में क्या पाया जाता है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है ना, ठीक। और उसके बाद क्या करती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देती है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में अपचयन अपचयन करती है, क्या करती है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करती है, ठीक है। इतना देखिए घटनाएं घटती है आपके जैव प्रक्रम में, अभी जैव प्रक्रम तो पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है, अभी स्वपोषी पोषण में इतनी घटनाएं घटती हैं, अभी और आपको बताया जाएगा जिसमें आपका अब चलेगा चैप्टर रंध्र, चैप्टर नहीं आगे क्या पढ़ाया जाएगा रंध्र के बारे में, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही, जहां पर नहीं समझ में आता है मैं आपको बता देता हूँ रंध्र के पहले तक, ठीक है, चैप्टर को उठाइएगा ऊपर से, ठीक, चैप्टर को ऊपर से उठाइएगा और रंध्र तक पूरा पढ़ लीजिएगा रंध्र के पहले तक, ठीक है, जहां तक घटनाएं होती है।
आपको चीजें एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएंगी और आपको कहीं भी इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपका आराम से बोर्ड का एग्जाम निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही, कल से मैं आप लोगों को रंध्र के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू।